नमस्कार दोस्तों, सफलता एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर या फिर जिसके बारे में सोचकर ही बड़ी खुशी मिलती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है, पर सफलता की राह आसान तो नहीं होती। सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई सारे त्याग करने पड़ते हैं और अपनी एक कठोर दिनचर्या को अपनाना पड़ता है। पर फिर भी कई बार इतना सब करने के बाद में भी सफलता हाथ नहीं लगती, तो इसमें क्यों नहीं लगती, यहाँ पर कभी आपने गौर किया? हमारी कुछ आदतें ऐसी होती है जिनकी वजह से हमें सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी बातें बताने वाली हूँ, 5 ऐसी आदतें बताने वाली हूँ जिनको अगर आप अपने अंदर शामिल कर लें, इन आदतों को अपने अंदर डाल लें, तो आपकी सफलता जरूर होगी, आपको हर जगह सक्सेस जरूर मिलेगी। तो क्या है ऐसी 5 आदतें जिनके जरिए आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चलिए आपके साथ में शेयर करते हैं। तो दोस्तों, सफल होने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज को याद रखना होता है कि हमें हर छोटी छोटी बात से भी कुछ न कुछ सीखना चाहिए। हर छोटी बड़ी घटना हुई या फिर अगर कोई छोटी मोटी भी बात हमें लग रही है जिससे हमें कुछ सीखने को मिला है, उसे हमें अपने अंदर उतार लेना चाहिए। मतलब हमें हमारे अंदर कुछ न कुछ मतलब ऐसी प्रवृत्ति होना चाहिए कि हर चीज से कुछ सीख ले। अब बात करते हैं कि वो पहली आदत कौन सी है जिसके जरिए हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले है, हमें हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जी हाँ, ये तो बहुत अहम भूमिका निभाता है। हम अगर कहीं घर से निकले हैं जाने के लिए, तो हमें किस जगह जाना है ये भी हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हम चले जाएंगे जिधर मोड़ आया मुड़ जाएंगे। हमें हमारा एक निर्धारित मंजिल पता होनी चाहिए कि हमें उस जगह जाना है, तभी तो हम वहां जा पाएंगे। इसलिए सफल होने के लिए हम किस चीज में सफलता चाहते हैं और किस जगह जाके हम अपने आप को सफल मानेंगे, ये चीज हमें पता होना चाहिए कि हमें ये जब चीज मिल जाएगी तो ये हमारी सफलता होगी। ठीक है, तो इसलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। दूसरे नंबर पे आता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। सफलता ऐसे ही प्राप्त नहीं होती, सफलता के साथ में हमें हमारी जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी है। कई लोग होते हैं कि एक चीज को पकड़ लिया, सोच लिया कि हमें वो बनना है, उसके पीछे अपने घर की, अपने परिवार की, सबकी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। तो वो सफलता अगर आपको मिल भी गई, वो मंजिल अगर आपने प्राप्त कर भी ली, तो उसका कोई मोल नहीं होगा। मान लीजिए हमें कहीं जाना है, हमें कहीं घूमने जाना है, किसी टूर पे जाना है, उसके लिए हमने जाने के लिए जो खर्चा लग रहा है, हमने उस खर्चे के लिए हमारे घर से सभी के मतलब घर में सबका दिल दुखा दिया, सेविंग सारी ख़त्म कर दी है, घर में अगर पापा मम्मी चाहते नहीं है तो भी हम वहाँ पर अगर घूमने जा रहे हैं, उतना पैसा खर्च कर रहे हैं और घर में देखो तो हर चीज़ के फोड़े पड़े हुए हैं, घर में कुछ भी चीज़ नहीं है, तो वो घूमना किस काम का? कि घर में हमारी घर को लेकर जो जिम्मेदारियाँ थी वो तो हमने निभाई नहीं और हम घूमने गए, वहाँ पर इतना पैसा लगा दिया। तो इस जगह इस चीज़ को समझना जरूरी है कि सफलता के लिए लक्ष्य ऐसा ही रखें कि हमारी जो जिम्मेदारियाँ है वो भी पीछे ना छूटे। हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी जिम्मेदारियों का भी हमें ध्यान होना चाहिए, तभी आप सफल कहलाएंगे। तीसरे नंबर पर आता है, छोटी छोटी गलतियों को स्वीकार करें। देखिए, हम सब ऊपर वाले ने हमें सबको जैसा बनाया है वो एक जैसा बनाया है, हमारे अंदर कई कमियां हैं, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। जब हम कोई काम नया करते हैं तो कई बार गलतियां करते हैं, तो अपनी छोटी छोटी गलतियों को, छोटी हो या बड़ी हो, हर गलतियों को मानना सीखें, एक्सेप्ट करना सीखें और उन गलतियों से भी कुछ सीखें कि यार ये किया तो ऐसा गलत हुआ, इसलिए अगली बार हमें ऐसा नहीं करना है। हम जहाँ तक हो गलतियों को सुधारते चलें और हर गलती से कुछ ना कुछ सीखते चलें। और सबसे मेन चीज़ है कि अपनी गलती को स्वीकार करें, हमें लगना चाहिए कि हाँ ये हमारी गलती थी, इस वजह से ऐसा हुआ। इसलिए गलतियों को स्वीकार करना बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है सफलता के लिए। चौथे नंबर पर आता है, अपने कौशल पर ध्यान दें। आपका क्या हुनर है, आपके अंदर किस चीज़ में आप ज़्यादा रुचि रखते हैं, आपको क्या मतलब आपके अंदर एक चीज़ जो अलग से है उस पर ध्यान दें और उसी पर वर्क करें। अपना जो लक्ष्य है वो भी उसी से लेकर चलाएं। कई लोगों की आदत होती है, उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, कईयों की सिंगिंग अच्छी होती है, डांसिंग अच्छी होती है, कुकिंग अच्छी होती है, तो जो आपका अपना हुनर है, अपना जो कौशल है,
उसको ही निखारे। ऐसा नहीं है कि हमने किसी और को देख के हमारा कौशल है तो सिंगिंग करना, हमको तो सिंगिंग बहुत अच्छी आती है पर हमारा फ्रेंड जो है वो इंजीनियरिंग बहुत अच्छी कर रहा है तो हम हमारी सिंगिंग का कौशल छोड़ के इंजीनियरिंग के पीछे लग गए तो हम वहाँ सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमें अगर सक्सेस होना है, सफलता चाहिए, सफलता प्राप्त करना है तो जो हमारे अंदर है, जो हमारा कौशल है उसे हम निखारें, उसे हम और बढ़ावा दें, उसके ऊपर काम करें ताकि हम सफल हो सके। तो कौशल को समझना और अपने कौशल को पहचानना बहुत ज़रूरी है। पांचवी बात आती है जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। पूरी एक प्लानिंग होना चाहिए हमारे पास में। हमें अगर कहीं जाना है, हम अगर किसी टूर की प्लानिंग करते हैं, किसी टूर पर जा रहे हैं तो हमें किस जगह जाना है, वहाँ पर हम कैसे जाएंगे, कौन सी बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, किस रूट से जाएंगे, क्या क्या स्टेशन आएंगे, क्या क्या बीच में आएगा, हमें एक पूरी ओवरऑल प्लानिंग करनी पड़ती है। वैसे ही सफलता को प्राप्त करना भी एक टूर है, एक जर्नी है जिसे अगर हमें पूरी करना है तो हमें पूरा जो उसका रूट है उसका पता होना चाहिए। बीच में हम कहाँ पर ब्रेक लेंगे, हमें कहाँ पर क्या करना है, ये सारी प्लानिंग हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। और अगर हो सके तो ये प्लानिंग को आप पेपर पर उतारिए, मतलब आपकी जो भी सफलता प्राप्त करने के लिए, जो भी आपका लक्ष्य है वहाँ तक जाने के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या योजना है, उसको एक पेपर पर लिखें और जो जो आप काम करते जा रहे हैं उसे टिक करते जाएं, उसे राइट करते जाएं कि ये हमने कर लिया है। इससे आपको सफलता प्राप्त करने में बहुत आसानी मिलेगी। और जैसे कि मैंने अपने कई सारे वीडियोस में आप आई बटन पर देख सकते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किस मेथड को फॉलो किया जाता है जिससे 100% सफलता मिलती ही है, वो आप देख सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव टिप्स हैं जिनके जरिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, सफलता ज़रूर मिलेगी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो समय चल रहा है लॉकडाउन का, हम सब हमारे घर में बैठे हैं शांति से, तो सफलता के लिए, हमारे लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, हमारी प्लानिंग को करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा समय है। इसका यूज़ बराबर से करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी और जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।